अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। गुजरात के दाहोद में वन बंधु कल्याण योजना अंतर्गत चलती गुजरात राज्य ट्राइबल विभाग गांधीनगर संचालित पूरे गुजरात में 91 स्कूल चल रहे हैं, जिसमें आदि जाति छात्र वर्ग 6 से 12 तक अभ्यास, रहना और खाना पूरी सुविधा केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। ये लाभ आदि जाति लड़का और लड़कियों के लिए केंद्र की तरफ से आशीर्वाद है, मगर ये स्कूल के टीचर जो रात दिन रुक कर मेहनत करवा कर 100% परिणाम लाती हैं, सभी स्कूलों से अच्छा परिणाम आता है। केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों की ग्रांट आती है, मगर टीचरों को 7,500 रुपये दिए जाते हैं। दूसरी स्कूल के मुताबिक पगार बहुत ही कम है। बार बार आवेदन द्वारा सत्ता अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद सत्ता अधिकारी नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात के सभी एकलव्य स्कूल के टीचर 16/8/2018 से संपूर्ण शिक्षण कार्य बंद करके आंदोलन करेंगे, जहां तक कार्रवाई। इस बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात के सभी एकलव्य स्कूल के टीचर 16/8/2018 से संपूर्ण शिक्षण कार्य बंद करके आंदोलन करेंगे, जहां तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, पगार बढ़ाया नहीं जाएगा, वहां तक शिक्षण कार्य बंद रखने की टीचर और आचार्य श्री ने चेतावनी दी है। दाहोद से रियाज की रिपोर्ट। हमें 2011 થી નિમણૂક થયેલી છે, અમાર પગાર વધારો થયો નથી, એટલે અમે એક મહિના પહેલા અલ્ટિમેટ આપ્યું હતું સરકારને, તેમ છતાં અમારે હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય આવ્યો નથી, એટલે અમે આજથી શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ કરી અને હડતાલ પર ઉતર્યા છીએ। જ્યાં સુધી અમારો પગાર વધારો થવામાં નહીં આવે, પગાર વધારો કરવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી અમારી હડતાલ ચાલુ રહેશે। જ્યારે પગાર વધારો કરવામાં આવશે, સ્વીકારવામાં આવશે અમારી માંગ, ત્યારે અમારી આ જે હડતાલ છે એ પૂર્ણ કરી દેશે। દાહોદ એકલે એમ આર એસ જી એલ આર એસ।